हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बेहद अच्छे होंगे और मजे में आप सभी की लाइफ चल रही होगी। रीजनिंग, क्या है रीजनिंग? क्यों पढ़नी पड़ती है रीजनिंग? क्यों हर एग्जाम में रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? रीजनिंग की आखिर जरूरत क्या है? 10th में हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी, लेकिन अचानक से कंपटीशन में आके एक नया सा वर्ड हमारे सामने आता है, रीजनिंग, जिसको आप कहते हो तर्क शक्ति। क्या है ये तर्क शक्ति? देखो जी, रीजनिंग की अगर बात की जाए, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे SSC के एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, चाहे अगर मैं बात करूँ इवन UPSC CSET, वहाँ पे भी रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिलता है। रीजनिंग की अगर बात की जाए, सर रीजनिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और अगर रीजनिंग को एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सरकार बहुत मैटर करता है रीजनिंग का सेक्शन, वो भी कम टाइम के अंदर सॉल्व करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, रीजनिंग हम सब पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। एक बच्चा एग्जाम दे के आता है, सर रीजनिंग में मैंने इतने कर दिए। मैं नहीं सुनता इस बात को। सर रीजनिंग आपने कितने क्वेश्चन कर दिए मैटर नहीं करेगा, रीजनिंग आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर दिए ये बहुत मैटर करेगा। सर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग के सेक्शन में। जैसे कि अगर बात की जाए टाइम, देखो TGL में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। मैथ्स भी आपको डील करना है, इंग्लिश भी डील करना है, रीजनिंग भी डील करना है, और GS का सेक्शन भी डील करना है। मैथ्स में आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश की अगर बात की जाए आपको ग्रामर भी पढ़ना है, आपको वोकैब भी पढ़ना है, आपको चीजें अपडेटेड भी पढ़नी है। तो मेरे बच्चे टाइम कैसे रोल प्ले करेगी? सर टाइम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, टाइम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे? सर रीजनिंग की अगर बात की जाए 10 मिनट में 25 क्वेश्चन डील करने हैं आपको। 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तो इजी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने मन में ठान रखा है ना कि मुझे कुछ करना है, तो बच्चे डेफिनेटली आप उसे अचीव कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, पढ़ना नहीं है स्मार्ट वर्क भी करना है, रटना नहीं है समझना भी है चीजों को। देखो हार्ड वर्क लेके बैठे आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपने लिया कैलेंडर का टॉपिक, आप लगे हुए 1992 से लेके अब तक की किताब के साथ, बेटा गड़बड़ हो जाएगी। अरे 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करो, 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस पीछे नहीं जाना। 2023 में आपको एग्जाम देना है तो बच्चे 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको लगभग 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 2021 और 2022 में आए हैं। पीछे जाके क्या करोगे? 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डेफिनेटली इतना हाई हो जाएगा कि आपको पीछे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे बच्चे चीज़ें अपडेटेड भी पढ़िए, ये नहीं है कि हार्ड वर्क कर रहे हो पीछे के क्वेश्चन लगे हुए। कई बच्चे लेके आते हैं सर देखो 2002 में क्वेश्चन आया था, अरे आज के टाइम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या? सर एक टॉपिक आता है काउंटिंग फिगर, सर डायगनल वाले क्वेश्चन अब नहीं आते, आप लगे हुए हो सर पैरेललोग्राम गिनने में, रोम्बस गिनने में, नहीं, डिमांड सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल की है। अब चाहे जितना मर्जी पीछे का पढ़िए बच्चे, हार्ड वर्क नहीं, मैं कहूंगा स्मार्ट वर्क के साथ जाइए, वो भी चीजों को समझते हुए जाइए, राइट। चलिए बच्चा, एग्जाम प्रेशर, देखो कहने को आप कह दोगे सर आप टीचर हो, आप बोल देते हो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, लेकिन क्या एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है। मैं नहीं कहता मेरे से, किसी भी टीचर से पढ़ रखा हो, टीचर ने पढ़ाया है ना, पीछे गुरु ने पढ़ाया है ना, तो डेफिनेटली एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। और अगर एक एक चीज आपने भी अच्छे से पढ़ी है, तो मेरे बच्चे एग्जाम में जाके आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होगा 10 मिनट 25 क्वेश्चन। अरे नहीं, एग्जाम में बिल्कुल चिल मोड में जाना है और बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है कि अगर एक भी सीट होगी तो सिलेक्शन अपना होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो बच्चे कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचने से। सक्सेस डेफिनेटली आप तक आपके पास आएगी। कारण क्या है? आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रैक्टिस भी उस लेवल की है जहां पे सरकार डिमांड है कंपटीशन की। तो देखो वन डे कंपटीशन में रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो मेरे बच्चे पढ़िए, जुड़िए हमारे साथ, डेली आपकी क्लास होती है, यूट्यूब पे भी क्लासेस होती है, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस होती है, यूट्यूब पे भी आपकी एक शेड्यूल के साथ क्लासेस चलती है, एप्लीकेशन पे भी आपके क्लासेस चलती है, आप मेहनत तो करिए। सर मैं आपके साथ बिल्कुल एग्जाम से पहले वाले दिन तक मेहनत कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम वाला दिन आपका होगा। इस तरीके से आप उस दिन मेहनत करते हैं ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। थैंक यू सो मच।